आटे का हलवा कह लीजिए या फिर गुरुद्वारे में मिलने वाला कड़ा प्रसाद की रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आप सबको गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए ये कड़ा प्रसाद की रेसिपी देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पे एक कटोरी देसी घी लिया है। आप चाहें रिफाइंड और देसी घी का दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरा एक कटोरी में से मैंने आधा कटोरी घी डाल दिया है और एक कप गेहूँ का आटा है। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आटे को बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक का भून लेना है। आप अगर इस मेजरमेंट के साथ ये आटे का हलवा बनाएंगे या कड़ा प्रसाद बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब आप आटा भूनेंगे धीरे धीरे लो फ्लेम पे, पहले ये थिक रहेगा, जैसे जैसे आपका आटा भूनता जाएगा ब्राउन गोल्डन होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा, घी छोड़ देगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पतला हो जाएगा। ये देखिए ये आटा बिल्कुल पतला हो गया है, यहाँ पे पास से दिखाती हूँ, और साइड साइड से घी भी छोड़ दिया है। अब जिस कप से मैंने आटा लिया था उसी कप से मैं एक कप चीनी डाल दूँगी। चीनी को डाल के हमें अच्छी तरीके से आटे में और घी में मिक्स कर लेना है। उसके बाद तब मैं यहाँ पे पानी डालूँगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। यहाँ पे मैं एक गिलास पानी डालूँगी। एक कप आटे में मैंने एक गिलास भर के पानी डाला है। इसे अभी हमें लो फ्लेम पे ही अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी चला लेना है। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी अगर आप इस तरीके से आटे का हलवा बनाएंगे। ये देखिए मैंने चला लिया है। हलवा जैसे जैसे पक जाएगा तो ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, कढ़ाई का तला बिल्कुल छोड़ देगा। यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से चला लिया है। कढ़ाई गर्म थी तो मैंने एक कपड़े से पकड़ के चलाया है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कड़ा प्रसाद बनके तैयार है। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ये कढ़ाई में चिपक नहीं रहे। गैस का फ्लेम बंद करते हैं, एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर हम कड़ा प्रसाद डालते हैं। देखिए चमचे में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। ये कड़ा प्रसाद ऐसा ही गुरुद्वारे में मिलता है, बिल्कुल भी ये कड़ा प्रसाद हाथ में चिपकता नहीं है। आज मैंने ये कड़ा प्रसाद बाबा जी के भोग लगाने के लिए बनाया था तो शायद ये परफेक्ट बन गया। मेरे हाथ से ये पहली बार बिल्कुल परफेक्ट कड़ा प्रसाद बना है। तो आप लोग इस मेजरमेंट से ये कड़ा प्रसाद बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।